और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 के भव्य आयोजन को लेकर भारत की तारीफ की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कई लेखों में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया है कि G20 के आयोजन में मोदी सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। अखबार के मुताबिक मोदी सरकार ने 60 भारतीय शहरों में 200 से ज्यादा G20 के आयोजन पर करीब $100 मिलियन यानी कि 831 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बड़ा अखबार है और इसमें G20 समिट का जिक्र करते हुए हेडलाइंस दी गई है। इसका मतलब है कि क्या भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं घरेलू स्तर पर गहरी होती खामियों से बच सकेंगी? यानी इस न्यूज आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की गई है। हाल ही में अमेरिका की एजेंसी प्यू रिसर्च के सर्वे में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 80% भारतीय संतुष्ट हैं और उन पर भरोसा करते हैं, और चंद्रयान 3 की सफलता ने तो भारत की ब्रांडिंग और भी ज्यादा कर दी है। और अब G20 की मेजबानी ने भारत का कद दुनिया के सामने और भी बढ़ा दिया है, और ये सारी बातें दुनिया के अलग अलग अखबारों में लिखी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक और लेख लिखा है जिसकी हेडलाइंस है, Making sure 1.4 billion people are very aware India is hosting the G20. इसका मतलब है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को ये पता चले कि भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 शिखर सम्मेलन को चुनाव से जोड़ते हुए लिखा है कि G20 का आगमन ऐसे समय में हुआ है जब भारत खुद को एक उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। G20 के नेता और आए विदेशी मेहमान भारत के इस डिनर डिप्लोमेसी के मुरीद हो गए। सभी देशों के राष्ट्रपति और अधिकारियों ने रात्रि भोज के दौरान नए भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मेहमानों ने म्यूजिक के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के व्यंजनों का आनंद लिया और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो देश हैं जिनके प्रतिनिधि इस वक्त भारत में मौजूद हैं, और जब कल रात में डिनर दिया गया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, ये तमाम देश जो वहां पर पहुंचे और डिनर डिप्लोमेसी के मुरीद हो गए, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नाइजीरिया, द नीदरलैंड्स, ये तमाम देश जो कल रात रात्रि भोज में शामिल हुए। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन की समाप्ति पर भारत मंडपम में मेगा डिनर का आयोजन किया गया, और इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई विदेशी मेहमानों ने शिरकत की, जो समूची दुनिया की करीब 80% आबादी और तकरीबन इतनी ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सभी मेहमान जब इस मेगा डिनर में पहुंचे तो दुनिया देखती रह गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है, अगला सम्मेलन ब्राजील में होगा। रूस ने G20 के सफल आयोजन पर भारत की जमकर तारीफ की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि समिट मील का पत्थर साबित हुआ है। तो G20 समिट का समापन हो चुका है, शानदार ये समिट रहा जिसकी तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आया। रूस ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि यह समिट मील का पत्थर साबित होगा। जिन्हें प्योरिटी का नहीं, G20 सम्मेलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि भारत की अगुवाई में G20 की बैठकों में इस बार वो हुआ जो अब तक किसी भी देश में नहीं किया था। भारत के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, जिससे हजारों विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने समझने का मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की यही छाप राष्ट्रपति के डिनर में भी विदेशी मेहमानों के दिलो दिमाग पर छा गई। जब भारत के राज्यों के मशहूर व्यंजनों का गुलदस्ता खाने के टेबल पर सजाकर रख दिया गया, चलिए बताते हैं आपको कि राष्ट्रपति के डिनर में विदेशी मेहमानों की थाली में क्या क्या परोसा गया।
दही के गोले, फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्रीयन क्रिस्प, करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ कटहल गैलेट, मुंबई पाव, बाकर खानी, जो इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी होती है, इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, आड़ू मुरब्बा, कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग चाय। डिनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के भव्य डिनर में G20 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और दूसरे देश के प्रमुखों की मेजबानी करना खुशी की बात थी। मुझे यकीन है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों ने हमारे साथ रहने के दौरान भारत की संस्कृति, भारतीय व्यंजन का आनंद लिया होगा। हम बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जिस देश में अतिथि देवो भव का भाव हर जनमानस के स्वभाव में रचा बसा हो, उस देश में बाहर से आने वाला कोई मेहमान भारत की मेहमान नवाजी की ऐसी यादगार अपनी जहन में समेट कर ले जाता है जिसको वो आजीवन भूल नहीं सकता। G20 में आए करीब 25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को राष्ट्रपति का ये डिनर और पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेरी हमेशा के लिए याद रहेगी। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन डिनर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वाले बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब करीब सभी मेहमानों को भारत की पुरातन शैक्षणिक विरासत नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित करवाया। ऐसा क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के इस पोस्टर में, कैसी कौन सी खास बात थी नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर में, और ऐसा जानने और बताने लायक क्या था नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष वाली तस्वीर में कि राष्ट्रपति के डिनर में आमंत्रित हर विदेशी मेहमान उसके बारे में जानने के लिए बेकरार रहा और खुद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर मेहमान को नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते नजर आए। आखिर पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित कराने का फैसला क्यों लिया, ये सवाल हर किसी के मन में उठा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो या फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, हर किसी ने उस तस्वीर के बारे में जानना चाहा और जानने के बाद हर कोई हैरान भी हुआ। हैरान इस बात की कि प्राचीन भारत शैक्षणिक रूप से कितना समृद्ध था। आश्चर्य इस बात का कि जिस युग में दुनिया लेखनी का कखरा सीख रही थी, उस वक्त में भारत विश्वगुरु की भूमिका निभा रहा था और दुनिया भर के छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों का अध्ययन करा रहा था। भारत का ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज G20 का तीसरा सत्र शुरू होने से पहले G20 के नेता राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किए। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने मेहमानों के स्वागत के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए खादी का पटका पहन रखा था और राजघाट पहुंचने वाले सभी नेताओं को वो खादी का ही वस्त्र भेंट कर रहे थे। राजघाट पर कई विदेशी मेहमानों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन की थीम वसुदेव कुटुंबकम की है। इसी सोच, इसी भावना और इसी इरादे के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर यह लगाई गई, क्योंकि प्राचीन भारत की ये शैक्षणिक विरासत वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ही पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी और भारत दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वसुदेव कुटुंबकम की सोच के लिए G20 की अगुवाई कर रहा भारत वाकई में इस सोच के साथ सदियों से जीता चला रहा है।